बहुत विधायक यहाँ बैठे हैं पार्टी के सामने, सबों का नाम लेना अभी उचित नहीं है, समय की पाबंदी है, काफी लंबे समय से आप लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं और सबके बातों को आपने, सबके विचार को आप लोगों ने सुना और 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ हम सब लोग जो है श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। श्रद्धा के सुमन, सच्ची श्रद्धा से हम लोग पुष्प जो है हम लोगों ने चढ़ाने का काम किया। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी, जो जन नायक जिनको कहा गया, वाकई में जन नायक रहे और समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने में, विचारधारा को बढ़ाने में उनका जो योगदान है वो भूला नहीं जा सकता और हम सब लोग उनके अनुयायी हैं। यहाँ उपस्थित कई ऐसे नेता हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता होंगे जो उनके साथ काम करने को मौका मिला। कई ऐसे नौजवान साथी हैं जो केवल अपने नेताओं से, अपने परिवार के बुजुर्गों से उनके बारे में सुनने का मौका मिला। तो हर तरह के लोग यहाँ उपस्थित हैं और आज के दिन उनको याद ही नहीं करते हैं बल्कि उनके विचारधारा पर अमल करते हुए संकल्प भी लेते हैं कि जो गैर बराबरी की जो लड़ाई रही, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई रही, उसको हम लोग जो है अंतिम मंजिल तक हम लोग मिलकर के पहुंचाने का काम करेंगे। और ये एक दो दिन का काम नहीं, ये तो सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन हम लोगों को ढीले होने की जरूरत नहीं है। आज का कुरी जी हम लोगों के बीच नहीं है लेकिन विचार तो है उनका, और जब विचार है तो अच्छी अच्छी बाधाओं को हम लोग जो है पार कर सकते हैं। केवल आपको लोगों तक पहुंचना है और उस विचार को हम लोगों को पहुंचाने की जरूरत है और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है पार्टी और संगठन। हम लोगों का प्रयास है कि अपने संगठन को हम लोग धागधार करें, जमीनी स्तर पर ही नहीं बल्कि बूथ, पंचायत, हर जगह हम लोग जो अपने संगठन का विस्तार करें और कर्पूरी जी के विचार को हम लोग जो है, लोहिया जी के विचार को, जेपी जी के विचार को, चौधरी चरण सिंह जी के विचार को, सभी लोगों के विचारों को जो समाजवादी नेता रहे जिनके हम लोग सब लोग अनुयायी हैं और जिनके बदौलत आज हम लोग सब लोग यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, आज कम से कम हम लोगों का दायित्व बनता है कि इस काम को हम लोग मिल करके पूरा करें। एकता होनी चाहिए, मिलजुल करके करनी चाहिए और आप सब लोग जान रहे हैं कि आदरणीय लालू जी दिल्ली वापस आए हैं, अपना सफल उनका ऑपरेशन रहा, किडनी ट्रांसप्लांट रहा और इसके लिए हम बिहार के ही नहीं देश के जो लोग लालू जी को चाहने वाले हैं, जिन लोगों ने प्रार्थनाएं दुआ की थी, आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों के प्रार्थना और दुआओं के कारण लालू जी का इलाज जो है सफल रहा और आज देश दिल्ली लौटे हैं तो स्वस्थ होकर के लौटे हैं। ये केवल आप लोगों की दुआएं और प्रार्थना थी जो उनको लेकर के आए और आप लोगों का प्यार वापस लेके आए। अभी हम कुछ दिन पहले गए थे दिल्ली, झारखंड में कार्यक्रम था उसके बाद हम दिल्ली गए, आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी से हमारी मुलाकात हुई और भी कई नेता यहाँ से गए थे, मिले थे, लेकिन अभी हम लोगों को कोशिश करना है कि सर्जरी के बाद जो इन्फेक्शन है उससे हम लोगों को बचाने की जरूरत है। तो उस हिसाब से ही हम लोग जो है इत्तेहाद जो है बरतने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तो इच्छा है कि जल्द से जल्द आप लोगों के बीच आकर के आप लोगों के साथ मिलकर के काम करें। जो लोग लालू जी को जानते हैं वो सब लोग वाकिफ हैं कि अभी उनके मन में क्या चल रहा होगा। अब वो जरूर बैठ करके दिल्ली में बैठे हैं लेकिन अभी जरूर इस कार्यक्रम का फीडबैक ले रहे होंगे कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो वो राष्ट्राध्यक्ष है, वो नेता है, उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि अगर ऐसा नेतृत्व मिले जो आप सब लोगों के चीजों पर ध्यान रखे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा,
इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है। तो आज हम लोग सब लोग इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि देखिए 2024 जो है वो चुनौती है, और इस चुनौती को कोई भी हमारे साथी जो है हल्के में ना ले, और चुनौती का जो है हम लोगों को सामना करना पड़ेगा। चुनौती किनसे है? वही लोग जब कर्पूरी जी आरक्षण की बात करते थे तो उनको भद्दी से भद्दी गालियां दी जाती थी, लोग नारा लगाते थे, यही भाजपाई लोग कि आरक्षण कहाँ से आए। तो हम तो आगे का हम बोलना नहीं चाहते कि क्या क्या बोलते थे वो लोग, लेकिन ये लोग आज जो है बहुरूपिये के रूप में कर्पूरी जी का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनके मन में केवल बाबा गोवलकर नथुराम गोडसे बसते हैं। आज चुनौती और लड़ाई उन लोगों से है। क्या किया? रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, देश की जितनी संपत्ति थी सब कुछ जो है बेचा जा रहा है। क्या किया जा रहा? आज लोग महसूस कर रहे हैं कि नहीं भाई, अगर ये लोग रह जाएगा तो संविधान खत्म कर देगा, लोकतंत्र खत्म कर देगा। कुछ दिनों पहले प्रेस की स्वतंत्रता कहां रही? आधा से ज्यादा तो कैसे हाईजैक कर लिया उसको तो सबको पता है, लेकिन आप बताइए खुलेआम बीबीसी पे भी छापा मार दिया जा रहा है। यानी जो खिलाफ में बोल रहा है, खिलाफ में क्या बोल रहा है, जो सच बोल रहा है उसको छोड़ेंगे नहीं, ये संदेश देना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की अच्छी, आप सब जान रहे हैं लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं, सबको इस लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में अपना कहने का हक है, बात रखने का हक है। लेकिन इस तरह का अगर इन लोगों का व्यवहार रहेगा कि अगर आपकी कमियां गिनाएंगे, अगर आपके वादे गिनाएंगे, आपने क्या कमिटमेंट किया था कि सत्ता में आकर के रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, किसानों का आय दुगुना करेंगे, आर्थिक स्थिति देश की जो है जीडीपी जो है वो बेहतर करेंगे, सबको पक्का मकान देंगे, अगर ये बात अगर हम लोग दोहराते हैं तो ये लोग क्या काम करते हैं? सभी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके क्या हुआ बीबीसी के साथ सब लोगों को पता है, और क्या हुआ था गुजरात में वो किसको नहीं पता, सबको पता है। लेकिन एक बात समझ जाइए कि ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं। ये महात्मा गांधी के देश को जो है नथुराम गोडसे का देश बनाना चाहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में ये कौन, यही खूबसूरती, अलग राज, अलग धर्म, अलग भाषा, अलग पहनावा, दिखने में अलग अलग, और हम सब लोग जो है इस देश की खूबसूरती है कि सब अलग होते हुए भी हम सब लोग एक हैं, यही हमारी असली पहचान है। आप पूछिएगा हिंदू राष्ट्र बना दोगे उसके बाद क्या करोगे? अगर बना भी देते हो तो क्या कीजिएगा? पिछड़ा हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है, कौन लोग? तो ये सब लोग केवल अकेवल इनका एजेंडा है फूट करो और राज करो। जो अंग्रेजों का नीति रहा डिवाइड एंड रूल, केवल उसी पॉलिसी पे काम करते हैं। आज धर्म के नाम पे राजनीति करना, धर्म के नाम पे जो है आप कोई भी आप उठा करके देख लीजिए, हर भाषण में हर कार्यक्रम में जहर केवल जो है वही उगलने का काम किया जाता है, चाहे छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, इनका केवल काम है समाज में जहर बोना। और हम सब लोग देखिए जहर को जहर से नहीं काटा जा सकता, जहर को काटना है तो प्यार से ही काटना पड़ेगा, उसलिए हम सब लोग समाजवादियों को एक होना पड़ेगा। ये लोग क्या कर रहे हैं पूरे देश में? चाहता था कि जितना क्षेत्रीय पार्टी है उसको खत्म कर दो, समाजवादी राजनीति को खत्म कर दो, सामाजिक न्याय को खत्म कर दो, संविधान को खत्म कर दो, लोकतंत्र को खत्म कर दो। हम कहना चाहते हैं कि ऐसे देश नहीं चलेगा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि ये बिहार की धरती है, और बिहार में आप सब राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने भाजपा को सबक सिखाने का काम किया था, और बिहार की धरती नहीं पूरे देश में, महाराष्ट्र में क्या हो रहा था, झारखंड में क्या हो रहा था, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा था, खरीदा जा रहा था विधायक को,
क्या किया नहीं जा रहा था, रेड पड़ाए जा रहे थे, डराया जा रहा था, लेकिन बिहार की धरती ने बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया उन्हीं के काम पर। यहाँ हम लोग एक हुए, महागठबंधन बना, और हम लोगों का लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से जो है ये लोगों को सत्ता से हटाने का काम करना। लेकिन सत्ता से तभी हटेंगे जब हम सब लोग एक होकर मेहनत करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को खड़ा करेंगे, लोगों को मान सम्मान प्यार बांटेंगे, तभी जाकर के हम लोग जो है जीत हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सब लोगों का हम दिल से स्वागत करते हैं, और आप लोगों को हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप सब लोग तैयारी अपनी 2024 की जो है आप लोग कीजिए, और ज्यादा दूर नहीं है, ये बिहार की धरती अगर चाह लेगी तो इनको जो है दिल्ली के गद्दी से उतारने का हम लोग जो है बल रखते हैं। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहे, साथ रहे, यही हम कामना करते हैं, और कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों पर फिर से हम श्रद्धा को सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को यही विराम देते हैं। आप सब लोग एक बार हमारे साथ दोहराए, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे। और प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो हमने मांग की थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अवार्ड दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा के प्रांगण में एक शब्द नहीं बोला। तो इस मांग को फिर से हम लोग दोहराते हैं कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। समर्थन में तो सब लोग हाथ उठा करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।